नमस्कार, मेरा नाम राकेश सिंह है और मैं आया हूँ जौनपुर सिटी रेलवे स्टेशन पर। यहाँ पर मौजूद यात्री सुविधाओं का जायज़ा लेने के लिए। यह मेरी पहली विज़िट है जौनपुर रेलवे स्टेशन पर, तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। ये है जौनपुर सिटी रेलवे स्टेशन का प्रवेश द्वार और यहाँ पर कुछ यात्रियों की चहल पहल दिखाई दे रही है। सामने देखिए कितनी साफ़ सफाई है। ये पीपल के पेड़ के नीचे यात्री बैठे हुए हैं और कुछ यात्री अंदर भी प्रवेश कर रहे हैं और इस तरफ जो है गार्डन है और ये भूमिगत केबल डालने का काम चल रहा है। और आगे हम देखते हैं, देखिए यात्री यहाँ पर बैठे हुए हैं और ये गार्डन जो भी मैंने बताया, इक्का दुक्का लोग इसमें बैठे हुए हैं। छोटा सा गार्डन है, छोटे से सिटी स्टेशन के हिसाब से। और ये पीपल के पेड़ के नीचे एक छोटा सा मंदिर है भगवान हनुमान जी का, काफ़ी सुंदर मंदिर है ये पीपल का पेड़। और ये पार्किंग एरिया है, देखिए यहाँ पर कई सारी गाड़ियाँ पार्क है। साफ़ सफाई कितनी ज़्यादा है यहाँ पर। और ये बाहर का नज़ारा, सामने का इंडी कैश का एटीएम है, पीयूष होटल है और आगे भी एक होटल था। और ये देखिए साफ सफाई, सीमेंट के ब्लॉक्स लगाए हुए हैं यहाँ पर। ये बहुत अच्छी बात है, स्वच्छ भारत अभियान हम साकार होते हुए देख रहे हैं। और हम जस्ट सामने का एरिया भी दिखाते हैं आपको। ये देखिए सीमेंट के ब्लॉक्स, कितनी साफ़ सफाई है यहाँ पर, बहुत अच्छा लग रहा है। और चलिए अब हम चलते हैं टिकट घर के अंदर। ये देखिए टिकट घर के अंदर किराया सूची लगाई गई है, बहुत सारे यात्री टिकट के लिए यहाँ खड़े हैं। और टिकट मिलना या ना मिलना ये तो भारत में भाग्य की बात होती है, ख़ास करके इस कोरोना काल में। ये कूड़े का डब्बा है, इस तरफ भी हरे रंग का डब्बा है। और चलते हैं अब हम यात्री प्रतीक्षालय की ओर। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर अप और डाउन साइड की लिस्ट लगी हुई है, यात्री यहाँ प्रतीक्षा कर रहे हैं अपनी गाड़ियों का। और ठीक ठाक है, साफ़ सफाई भी अच्छी है यहाँ पर। ये LED पैनल है, गाड़ियों की जानकारी इस पर डिस्प्ले होती है। और ये प्लेटफॉर्म का नज़ारा है, सामने कोई गाड़ी खड़ी है। और 3 नंबर प्लेटफॉर्म पर अभी अभी वाराणसी जंक्शन से जम्मू तभी जाने वाली गाड़ी अभी अभी आकर रुकी है। यात्री अपने अपने डिब्बों में प्रवेश कर रहे हैं, इसका अराइवल हम आपको नहीं दिखा पाए क्योंकि मैं दूसरी तरफ वीडियो बना रहा था। कोई बात नहीं, हम इसका डिपार्चर आपको अवश्य दिखाएंगे। और ये देखिए गाड़ी का डिपार्चर हो चुका है, धीरे धीरे गाड़ी अपने गंतव्य स्थान की ओर बढ़ती हुई। माता वैष्णो देवी के दर्शन के लिए लोग इसी गाड़ी से जाते हैं, लेकिन अब तो वंदे भारत जैसी गाड़ी की भी सुविधा हो गई है। खैर अब देखिए गाड़ी धीरे धीरे अपनी रफ्तार पकड़ रही है और हम सभी यात्रियों के लिए शुभ यात्रा की कामना करते हैं। इन सभी की यात्रा मंगलमय हो। गाड़ी अपनी रफ्तार से आगे बढ़ते हुए
और थोड़ी देर के बाद में ये गाड़ी यहाँ से निकल जाएगी। ये अंतिम डब्बा गार्ड और सामान का, ये देखिए गाड़ी जा चुकी है। और ये प्लेटफॉर्म क्रमांक 3 का नज़ारा है, सीमेंट के ब्लॉक लगाए गए हैं, बैठने के लिए स्टील के बेंचेस है, घड़ी है ऊपर, साफ़ सफाई देखिए कितनी अच्छी है। और ये एक बुक स्टॉल है छोटा सा, और आप देख सकते हैं ये पानी के पीने की व्यवस्था है, ये कूड़े का डब्बा रखा हुआ है। कुछ लोग अभी भी प्लेटफॉर्म पर मौजूद हैं, हम आगे बढ़ रहे हैं। और ये बैठने के लिए बेंच स्टील के, आजकल स्टील के बेंचों का चलन काफ़ी बढ़ गया है रेलवे प्लेटफॉर्म पर, क्योंकि ये मज़बूत भी होते हैं और लंबी अवधि तक चलते हैं, इनमें जंग भी नहीं लगता। रेलवे अच्छा काम कर रही है साफ़ सफाई के मामले में, और रेलवे प्लेटफॉर्म पर यात्रियों को सुविधा देने के मामले में। ये देखिए कूड़े का डब्बा, ये कंक्रीट के बेंच भी ठीक ठाक है, इस पर टाइल्स लगे हुए हैं, कुछ बेंच में टाइल्स नहीं भी लगे होते वो जल्दी ख़राब हो जाता है, सीमेंट का खाली प्लास्टर लगा दिया जाता है। इसलिए देखिए साफ़ सफाई कितनी अच्छी है। और ये एक छोटा सा दुकान है जो कि बंद है, और पूरे के पूरे प्लेटफॉर्म पर देखिए घास थोड़ी बहुत उगी हुई है, और ये पानी के पीने की व्यवस्था है। आगे कुछ बहुत ज़्यादा दिखाने के लिए है नहीं, हम अभी आगे चलते हैं। और देखिए साफ़ सफाई कितनी अच्छी है, प्लेटफॉर्म भी काफ़ी चौड़ा है। और आगे देखिए तो एक कंक्रीट का बेंच बना गया है, पर टाइल्स नहीं लगा हुआ है उसमें। और उसके आगे एक शौचालय है। चलिए शौचालय के अंदर का नज़ारा हम आपको दिखाते हैं कि कितनी साफ़ सफाई है। तो पूरा टाइल्स लगा हुआ है शौचालय के आगे अंदर और बाहर, और ये देखिए अंदर का नज़ारा तो ठीक ठाक है, बहुत ज़्यादा गंदगी नहीं है। अब सार्वजनिक शौचालय तो थोड़ा बहुत तो गंदगी होना सामान्य बात है, और ये बहुत ज़्यादा गंदगी नहीं है, बदबू भी नहीं दे रहा है, तो ठीक ठाक शौचालय था। और ये देखिए बरसात के मौसम की वजह से यहाँ पर घास उग गई है, ये एक सामान्य बात है प्लेटफॉर्म पर। और आगे एक छोटा सा पत्रे का शेड दिखाई दे रहा है, जहाँ पर कंक्रीट के बेंच लगाए गए हैं, यात्रियों को के लिए बैठने की सुविधा है। ये देखिए बेंच, और इसके आगे पानी पीने की व्यवस्था है जो कि अभी नया बनाया गया है। और उसके आगे कंक्रीट का बेंच है, ये देखिए पानी पीने की व्यवस्था। और आगे कुछ खास दिखाने के लिए है नहीं प्लेटफॉर्म पर, इसलिए आगे तक हम नहीं जाएंगे। और ये जूम करके देखिए आगे एक और शेड है छोटा सा, कुछ खास नहीं है इसलिए हम आगे नहीं जाएंगे, और हम यहीं से रिटर्न जाएंगे और प्लेटफॉर्म क्रमांक 2 के बारे में बताएंगे। हालांकि प्लेटफॉर्म क्रमांक 2 और 3 एक ही प्लेटफॉर्म पर बनाए गए हैं, तो बहुत ज़्यादा डिफरेंसेस नहीं होने वाले हैं। ये LED पैनल है, कोच पोजीशन को दर्शाता है, कोच नंबर या कौन सा आएगा वो, जिसे कहते हैं कोच पोजीशन डिस्प्ले। ये देखिए प्लेटफॉर्म क्रमांक 2 का नज़ारा, आगे की तरफ कुछ खास नहीं है दिखाने के लिए। और ये सामने
प्लेटफॉर्म क्रमांक एक है ये देखिए। और अब हम चलते हैं प्लेटफॉर्म क्रमांक दो की साइड से और देखते हैं कि इस तरफ क्या सुविधाएं हैं। तो समान सुविधाएं हैं, कोई बहुत ज़्यादा अलग नहीं है। ये देखिए शेड जो मैं उस तरफ से दिखाया अब इस तरफ से दिखाया मैंने, तो यही है जौनपुर सिटी रेलवे स्टेशन। कुछ लोग इसे भंडरिया भी कहते हैं, लेकिन नाम ये जौनपुर सिटी ही है। ये छोटा सा नलकूप बहुत अच्छी बात है कि यहाँ पर साफ सफाई है। सरकार साफ सफाई का मंत्र लेकर आगे बढ़ रही है, स्वच्छ भारत अभियान ला करके सरकार ने रेलवे में काफ़ी सुधार किया है। और सच पूछिए तो रेलवे ट्रैक्स जो गंदे होते थे, वो हमारे ट्रेनों के जो टॉयलेट यूज़ होते थे उसमें उसकी वजह से होते थे। तो बायो टॉयलेट लगा करके वो गंदगी को जो नियंत्रित किया गया, ये कमाल की बात है। ये सराहनीय काम रेलवे ने किया है। तो आगे देखिए ये पीने के व्यवस्था, पानी पीने की व्यवस्था है। ये जौनपुर सिटी रेलवे स्टेशन का शेड, ये दुकान जो हमने उस तरफ से दिखाया था ये बंद है। प्लेटफॉर्म क्रमांक दो पर ऊपर घड़ी दिखाई दे रही है लाल रंग की। चौदह बजकर 3 मिनट का समय दिखाया जा रहा है। देखिए कितनी साफ सफाई है इस प्लेटफॉर्म पर। और यात्री यहाँ पर बैठे हुए हैं। एक कूड़े का डब्बा है। ये बैठने का बेंच स्टील का। यहाँ पर मैं पहली बार आया हूँ। कई बार मैंने इसके पहले कोशिश की थी आने की, लेकिन आ नहीं पाया था, समय का अभाव था। लेकिन इस बार मौका मिल गया स्टेशन का रिव्यू देने के लिए। तो मैंने कभी ये उम्मीद नहीं की थी कि इस रेलवे स्टेशन पर इतनी अच्छी साफ़ सफाई मुझे मिलेगी। और ये कुछ यात्री जो है अभी अपने घर की ओर जा रहे हैं। देखिए, और ये जो लाल वाला बेंच आप देख रहे हैं, ये मजबूत नहीं होता है, कंक्रीट का बना हुआ है। स्टील के बेंचों का चरण ला करके रेलवे ने बहुत अच्छा काम किया है। और सामने देखिए और एक दुकान है जो बंद है। तो चलिए आगे हम चलते जाते हैं और देखते हैं कि किस तरह की सुविधाएं प्लेटफॉर्म पर मौजूद हैं। Thank you.
मित्रों, आपने अभी भी देखा कि यहाँ पर कुछ भैंसे चारा खा रही हैं, हरी हरी घास है, इनकी भी दावत चल रही है यहाँ पर। और इन भैंसों को प्लेटफॉर्म टिकट कौन पूछता है? खैर कोई बात नहीं, ये तो मवेशियों का पब्लिक प्लेस पर घूमना या चारा खाना ये आम बात है, ये आम दृश्य है, इससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता किसी को। ये आगे बैठने का एक बेंच है और सामने देखिए जौनपुर सिटी रेलवे स्टेशन का बोर्ड दिखाई दे रहा है और हम ये भी आपको बता दें कि कितनी घास है। देखिए बरसात का मौसम है तो एक सामान्य बात है, साफ़ सफाई तो देख ही रहे हैं आप। जौनपुर सिटी रेलवे स्टेशन का ये बोर्ड और प्लेटफॉर्म क्रमांक 2 और 3 का रिव्यू यहीं समाप्त होता है। अब हम चलते हैं यहाँ से प्लेटफॉर्म क्रमांक 1 पर और वहाँ पर हम आपको बताएंगे कि वहाँ पर कैसी यात्री सुविधाएं हैं और वहाँ के प्लेटफॉर्म की साफ़ सफाई कैसी है, ये भी हम आपको बताएंगे। सामने ट्रैक देख रहे हैं आप और ये देखिए जौनपुर सिटी रेलवे स्टेशन का बोर्ड प्लेटफॉर्म क्रमांक 1 पर और हम आ चुके हैं प्लेटफॉर्म क्रमांक 1 पर। ये देखिए यहाँ पर वही घास है, सीमेंट के ब्लॉक्स बनाए गए हैं, साफ़ सफाई बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छा लगा देखकर। तो चलिए हम आगे चलते जाते हैं, कंटिन्यू करते हैं और देखते हैं क्या सुविधाएं हमें आगे भी मिलती हैं। मित्रों ये देखिए दाईं तरफ एक यहाँ पर भी हैंडपम्प दिखाई दे रहा है और साफ़ सफाई तो भाई बहुत अच्छी बात है यहाँ पे। और सामने ये शेड दिखाई दे रहा है यात्रियों के बैठने के लिए, यहाँ पर सुविधाएं भी हैं। यहाँ पर पूरे प्लेटफॉर्म अंदर बाहर तक सीमेंट के ब्लॉक्स लगाए गए हैं और साफ़ सफाई भी अच्छी है। ये एक मवेशी यहाँ पर भी खड़ा है, देखिए दाईं तरफ कुछ यात्री यहाँ पर बैठे हुए हैं प्लेटफॉर्म पर, शायद कोई और गाड़ी भी आने वाली होगी। और बैठने का कंक्रीट का बेंच भी है लाल रंग का, आगे एक छोटा सा शेड है वहाँ पर भी बैठने की सुविधा है। लेकिन इस शेड के आगे आप देख सकते हैं कि आधे प्लेटफॉर्म पर सीमेंट के ब्लॉक्स है और आधे पर पूरी घास जमी हुई है हरी हरी। और हम आगे की ओर बढ़ रहे हैं, साफ़ सफाई कंटिन्यू है और हमें एक पुराना शौचालय यहाँ पर दिखाई दे रहा है। जैसे कि हमने प्लेटफॉर्म क्रमांक 2 और 3 पर आपको शौचालय के अंदर जाकर वहाँ का नज़ारा दिखाया, वहाँ की हालत दिखाई, चलिए हम इस शौचालय को भी हम दिखाते हैं आपको। लेकिन ठहरिए, शायद कोई खड़ा है वहाँ पर और हम अंदर नहीं जा सकते। लेकिन आपको बता दें कि अगर वहाँ पर कोई नहीं होता तब भी मैं वहाँ नहीं जाता क्योंकि बदबू यहाँ तक आ रही है। ये जौनपुर सिटी रेलवे स्टेशन पर एक निराशाजनक बात मुझे पता चली कि पुराने टॉयलेट्स इतने गंदे हैं कि बदबू बाहर तक आ रही है और घास को छीलने का काम चल रहा है। देखिए घास रखी हुई है, ये पानी पीने की व्यवस्था है।
और ये बैठने का बेंच है। आगे भी साफ़ सफाई अच्छी है, फुट ओवर ब्रिज दिखाई दे रहा है और पानी पीने की व्यवस्था है। तो चलिए हम और आगे चलते हैं और देखते हैं कि आगे क्या क्या सुविधाएं हैं यहाँ पर। ये पानी की टंकी दिखाई दे रही है आपको और फुट ओवर ब्रिज के नीचे स्टील के बेंच भी लगे हुए हैं यात्रियों को बैठने के लिए, तो ये अच्छी बात है। और आगे सीमेंट के ब्लॉक्स जो है वो दिखाई नहीं दे रहे हैं और टाइल्स जो है लगी हुई हैं। ये देखिए बेंच स्टील का, कूड़े का डब्बा, और मेन शेड की तरफ हम बढ़ गए हैं। और देखिए यहाँ से अब सीमेंट के ब्लॉक्स जो है वो ख़त्म हो रहे हैं और टाइल्स की शुरुआत जो है वो हो रही है। और ये यहाँ पर स्टेशन मास्टर महोदय का कार्यालय है। ये कूड़े का डब्बा, साफ सफाई लाजवाब है। कुछ लोग अभी यहाँ पर हैं यात्री। और ये देखिए एलईडी पैनल, जौनपुर सिटी का बोर्ड, बाहर जाने का रास्ता जहाँ से अंदर आए थे। तो चलिए आगे चलते हैं और देखते हैं कि क्या कार्य यहाँ पर हो रहा है। कुछ टाइल्स के टुकड़े यहाँ पर रखे हुए हैं, अभी काम होना बाकी है। ये बैठने के बेंच और पेड़ भी दिखाई दे रहे हैं प्लेटफॉर्म पर। हरा भरा रेलवे स्टेशन है ये। और ये IRCTC की पेयजल परियोजना है जो ठंडे बस्ते में चली गई है। और ये जनरेटर की व्यवस्था है पावर बैकअप के लिए, स्टील के बेंच बैठने के लिए। और ये देखिए टाइल्स के टुकड़े यहाँ पर रखे हुए हैं, अभी काम पूरी तरह से कंप्लीट नहीं हुआ है, तो आगे कंप्लीट होगा ही कार्य। और हम आगे चलते हैं, देखते हैं। ये एक कूड़े का डब्बा है और इस प्लेटफॉर्म पर या इस रेलवे स्टेशन पर कुल 3 लूप लाइन है और एक मेन लाइन है। यहाँ पर कुल 3 प्लेटफॉर्म है। तो मित्रों आगे फिर से टाइल्स ख़त्म हो रहे हैं और सीमेंट के ब्लॉक्स दिखाई दे रहे हैं। आगे कुछ दिखाने के लिए खास नहीं है, यहाँ पर एक शेड दिखाई दे रहा है। और ये सामने 2 और 3 नंबर प्लेटफॉर्म, ये दुकान देखिए, कुछ यात्री वहाँ बैठे हुए हैं। तो हम अपना वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं और आपसे नया निवेदन करते हैं कि कृपया इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।